कांग्रेस की मांग, अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की सीबीआई और आरबीआई करे जांच, अडानी ग्रुप ने खारिज किए आरोप। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम अडानी समूह और वर्तमान सरकार के बीच घनिष्ठ संबंध को पूरी तरह समझते हैं। कांग्रेस नेता ने अडानी समूह के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की सीबीआई और आरबीआई से जांच कराने की मांग की है। हालांकि अडानी ग्रुप ने आरोपों से इनकार किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अडानी समूह के हिंडबर्ग रिसर्च द्वारा किए गए फॉरेंसिक विश्लेषण में गंभीर जांच की जरूरत है, इसलिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और भारतीय रिजर्व बैंक जैसे निकायों को जांच करनी चाहिए, क्योंकि वो देश के वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, हम अडानी समूह और वर्तमान सरकार के बीच घनिष्ठ संबंध को पूरी तरह से समझते, मगर एक जिम्मेदारी विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस पर यह निर्भर करती है कि वो व्यापक जनहित के लिए सीबीआई और आरबीआई से विपत्ति प्रणाली के प्रबंधक के रूप में अपनी भूमिका निभाने और इन आरोपों की जांच करने का आग्रह करें। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार सेंसरशिप लागू करने की कोशिश कर सकती है, मगर भारतीय व्यवसायों और वित्तीय बाजारों के वैश्वीकरण के युग में क्या हिंडनबर्ग प्रकार की रिपोर्ट को आसानी से दुर्भावनापूर्ण करार देकर खारिज कर दिया जा सकता है, जो कॉर्पोरेट कुशासन पर ध्यान केंद्रित करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया कि अडानी समूह स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी में लागू हुआ था। बताते चले कि हिंडनबर्ग एक्सटिविस्ट शॉर्ट लेंसिंग में विशेषज्ञता रखने वाली अमेरिका के निवेश रिसर्च फर्म है। फर्म ने कहा कि उसकी 2 साल की जांच से पता चलता है कि 17.8 ट्रिलियन रुपए का भारतीय समूह अडानी दशकों से एक स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी योजना में लगा हुआ है। अडानी ग्रुप ने खारिज किया आरोप। अडानी ग्रुप ने इस आरोप को दुर्भावनापूर्ण, निराधार, एक तरफा बताया है। कहा कि उसके शेयरों की बिक्री को बर्बाद करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से ये आरोप लगाए गए हैं। अडानी ग्रुप ने कहा कि तथ्यात्मक मैट्रिक्स हासिल करने के लिए उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की गई। इसके बिना ही सामने आई हिंडबर्ग फर्म की रिपोर्ट स्तंभ करने वाली है। पॉड टू एनर्जी समूह ने एक बयान में कहा कि रिपोर्ट चुनिंदा गलत सूचनाओं, निराधार और बदनाम आरोपों को एक दुर्भावनापूर्ण संयोजन है। इसे भारत की सर्वोच्च अदालतों ने जांच के बाद खारिज कर दिया है।